हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन किसी वजह से आपको अवॉइड कर रहा है, लाइक आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड आउट ऑफ नो वेयर ये पर्सन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया है एंड आप सोच रहे हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। ऑल्सो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका करंट लवर, एक्स, कोई ऐसा पर्सन जिसका आप पे क्रश है या जिस पर आपका क्रश है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Knight of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Wands, the Devil, and the Moon. Okay. So हमारे पास है the Moon. I think ये person आपको इसलिए avoid कर रहा है क्योंकि उनके पास आपको excuse नहीं बचा है देने के लिए। ये वो पर्सन हो सकता है जो शायद आपसे कई सारे झूठ बोल चुका है पास्ट में, स्पेशली कमिटमेंट को लेके। उन्होंने हो सकता है आपको कई बार कमिटमेंट दिए और हर बार उस कमिटमेंट को तोड़ा ही, हर बार आपका दिल तोड़ा एंड अब उन्हें पता है कि आप दोनों इस पॉइंट पे हैं जब उन्हें कुछ तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता। इवन इफ अगर ये कोई नया पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है या कोई ऐसा फ्रेंड जो कि बहुत क्लोज आ गया है बट आपसे कह नहीं रहा कि वो फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा चाहते हैं या एक लव रिलेशनशिप चाहते हैं आप दोनों के बीच, ये पर्सन भी यही सोच के आगे नहीं बढ़ रहा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उन्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा, उन्हें वो बातें प्रूव करके दिखानी होगी जो उन्होंने आपसे कही है। और ये एक वजह है कि उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, स्लो मूविंग इन द सेंस कि ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पाता जल्दी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेके एंड ऑल्सो जब बात आती है एफर्ट करने की तो ये पर्सन काफी लेजी हो जाता है, अपने कंफर्ट जोन में ही सिमट जाता है। ओके, एंड ये बात इस पर्सन को थोड़ी परेशान कर रही है। एक्चुअली अवॉइड ये आपको कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है एंड वो चूज कर रहे हैं आसान चीजें बजाय उन चीजों के जो उन्हें चाहिए, सिंपली इसलिए क्योंकि उन चीजों के लिए उन्हें एफर्ट करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको बहुत इंतजार करवाया है कमिटमेंट के लिए। इवन इफ अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है तो तब से आप देख रहे हो सकते हैं कि इनकी दिलचस्पी आप में है मगर कुछ भी खुल के कह नहीं रहे, और शायद अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और ये पर्सन ये नोटिस कर रहा है कि आप इस तरह के अनसर्टेनिटी में नहीं रह सकते, उन्हें कुछ कहना तो पड़ेगा, उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है तो फाइनली कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। सो ये जो स्टेप लेने वाली बात है इसके लिए ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है, जो कुछ भी चाहिए इसके लिए, जितना भी करेज चाहिए, जितने भी चेंजेस लाने हैं, जितना भी वर्क करना है खुद पे, उसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है और इसीलिए इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया है। बिकॉज अगर वो आपको अवॉइड करेंगे तो उन्हें आपके सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ परफेक्ट चलता रहेगा। मे बी आप उन्हें भूल जाएंगे या उनसे किसी भी तरीके का कमिटमेंट या चेंज ही एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे। इस पर्सन को लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है। ओके, जबकि वो इस रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। द डेविल का कार्ड है सो ये पर्सन काफी सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। ओके, इट्स लाइक जब भी उन्हें आपकी जरूरत होगी वो आपके लाइफ में चले आएंगे, बट जब भी आपको उनकी जरूरत होगी आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा या आपसे दूर चला जाएगा। सो अभी भी ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पाया है,
ये उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो इन्हें पसंद है बट बिना एफर्ट के. ऑल्सो जो भी चीज़ें इन्हें मिल जाए वो वेलकम है, मगर जब भी बात आती है कुछ ऑफर करने की तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते. एस ऑफ वांड्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप एक ब्लेसिंग है. ये रिलेशनशिप यूं ही नहीं मिला उन्हें, आप दोनों एक दूसरे से यूं ही नहीं मिले. सो उन्हें पता है कि सामने अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने की, अपना लवर खुद चुनने की, अपने लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाने की. बट उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, जो विल पावर चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो इनके अंदर नहीं है. और इसलिए इस पर्सन ने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया है. ऑफकोर्स वो ये आपसे नहीं कहना चाहते कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है अपने आप को बदलने की या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, वो इतने स्ट्रांग नहीं है. सो नाइन ऑफ वांड्स के साथ ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस देगा. हो सकता है आपने ये एक्सपीरियंस किया हो कि जब भी आप उन्हें कुछ कहते हैं या यू नो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो किसी न किसी तरीके का एक्सक्यूज लेकर चले आते हैं. सो उस केस में आपको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है. इनके एक्सक्यूजेस चलते रहेंगे और आप इससे कंफ्यूज होते रहेंगे. सो द डेविल से आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन काफी सेल्फ सेंटर्ड है. कम से कम इस वक्त तो ऐसा ही है. ओके सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. स्कॉर्पियंस, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस. एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, नाइन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वांड्स. ओके सो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स. ये पर्सन ऑफर करना चाहता है इस क्वीन ऑफ कप्स को प्यार, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्वीन ऑफ कप्स ही उनका ड्रीम है. कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. द स्टार के साथ उन्हें आपका वर्थ पता है, उन्हें पता है कि आप ही उनकी जिंदगी का ये स्टार है जो उन्हें गाइड करेंगे. बट एट द सेम टाइम उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इस क्वीन ऑफ कप्स को अप्रोच कर सके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स को पाने के लिए उन्हें किंग ऑफ कप्स बनना पड़ेगा, जो कि वो नहीं बनना चाहते, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें अपने पर बहुत वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. ओके ये रफ वांड्स है तो शायद ये पर्सन किसी नए एनर्जी के इन्फ्लुएंस में भी है. कोई ऐसा हो सकता है जो इनके लाइफ में अभी अभी आया है और इन्हें गाइड कर रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. ऑल्सो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है फ्यूचर के. बट अगेन जो इनकी टेंडेंसी है इजी चीज़ों को चूज करने की, उसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे. इनफैक्ट एट ऑफ वांड्स कुछ लोगों की सिचुएशन में हो सकता है थर्ड पार्टी की भी बात कर रहा हो और ये पर्सन शायद आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसा चूज करने की कोशिश कर रहा है जिससे पाना आसान हो एंड उन्हें अपने स्ट्रगल्स ना करने पड़े. ओके एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो आजकल ये वर्क पे भी बहुत ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इससे वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और अगर अपना अटेंशन कहीं और रखेंगे तो मूव ऑन करना आसान हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है. तो वो अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि इस सिचुएशन में जितना स्ट्रेंथ और करेज चाहिए वो उनके पास नहीं है. सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. Trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए. ओके जो आपकी गट फीलिंग है वो आपको बहुत कुछ बताएगी. अगर आपको कुछ ओके नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है किसी रीजन से, तो वो सही है और वो रीजन भी आप जानते हैं. उस रीजन पे ट्रस्ट कीजिए और आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ही चलें. अगर कोई चीज़ ठीक नहीं महसूस हो रही तो उससे खुद को दूर रखना ही अच्छा है. सो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपको अवॉइड कर रही है. तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट विद यू. बाय.